भाई ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो कि पहली दफ़ा यानी ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। तो अगर आप उन लोगों में से हैं तो ये वीडियो आपको देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है रास्ते में मैं कुछ गलतियां करूं और आप उन गलतियों से बच जाएं। सुबह के 9 बज चुके हैं। हमारा प्लान था कि हम लोग सुबह फजर के वक्त निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रात को यानी अंधेरे में निकलना कोई मुझे इतना अच्छा प्लान नहीं था लग रहा, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि हम लोग रेडी हैं। रेडी तो हम रात को ही हो चुके थे, गाड़ी हमने रात को सामान से भर दी थी। और ये बच्चों का बेड है पीछे, इसी के ऊपर ये बैठेंगे, इसी के ऊपर ये सोते हुए जाएंगे। उसके अलावा मैंने अपना वेपन भी रख लिया, जो कि मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पे फिर रहे हैं। तो अब हम लोग निकलेंगे, 5 मिनट में हम लोग निकल जाएंगे। यस, एवरीथिंग इज़ डन। टायर्स का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो मैंने कल ही चेक करवा लिया था, अभी भी बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह। ले जी, हम लोग घर से निकल चुके हैं। अब हम पहले तो बहरिया टाउन क्रॉस करेंगे पूरा, उसके बाद हम लोग हैदराबाद की तरफ चलेंगे, उसके बाद हमें कुछ नहीं पता हम कहाँ जाएंगे। वीडियो के शुरू में बताया था कि हम लोग पहली दफ़ा बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं, कराची टू इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो आप में से वो लोग जो कि ट्रैवल करने का सोच रहे हैं बाय रोड, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। मज़े की बात यह है कि हम में से यानी हमने नाश्ता नहीं था किया हुआ, तो इसलिए हम लोग आ गए हैं कबाब जी बेकर्स पर, और यहाँ से हमको मिलेगी मज़े मज़े की हलवा पूड़ी। हाँ, कब आएगी हलवा पूड़ी, कब आएगी हलवा पूड़ी। भाई सब चीज़ों का इंतज़ार हो सकता है, हलवा पूड़ी का इंतज़ार नहीं होता। और अगर हलवा पूड़ी ठंडी आ जाए, हलवा पूड़ी पूरी पूड़ी कह रहा हूँ, हलवा पूड़ी अगर ठंडी आए तो फिर फुल टाइम मूड ऑफ हो जाता है। आगे थैंक यू। अच्छा भैया चार है, चार थोड़ा सा चार ला देना, चने 6 लाएं, पानी की बोतल भी ला देना दोस्त। हलवा पूड़ी हम लोग खा चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं वापस। नहीं, मेरा मतलब है कि अब हम लोग जा रहे हैं हाईवे पर हैदराबाद की तरफ। लेट्स गो। हो गया फुल है। बस ठीक है, बस वो भी मैंने हाई ऑक्टेन भी डलवा लिया है। ले जी, हम लोग बैरिया टाउन से निकल आए हैं और अब हम लोग हाईवे पर हैं, यानी हम हैदराबाद की तरफ जा रहे हैं। गूगल मैप हमारा ऑन है और बड़ा मुश्किल है गाड़ी चलाते हुए वीडियो बनाना, लेकिन ये है कि अब हम आपको रास्ते में अपडेट करते रहेंगे कि हम कहाँ कहाँ पहुँचे। सी यू। आपको हाईवे पे इतने मजे की चीजें मिलती ना जिसका चार नहीं। यस। ये है जी रिवरेंडस मेरे ख्याल से, और अभी हम हैं काजी अहमद रोड पर। अमेजिंग। बहुत शुक्रिया।
सॉरी सॉरी सॉरी, वो जो पीछे आपने देखा था वो की कनाल थी, ये है रिवर इंडस। हमने गूगल किया है तो पता लगा ये काजी अहमद है, जैसे काजी अहमद ब्रिज इसलिए कहते हैं कि वो उतर के यहाँ पे आती शायद, तो काजी अहमद है जी। तो शाउट आउट टू काजी अहमद शहर। चाचे ने नजर उतार दी हमारी, रश बहुत था पीछे गाड़ियाँ, वरना मैं चाचे की कोई हेल्प करता, लेकिन चाचे ने झाड़ू मार के सारी बलाएं डाल दी हैं हमारी और सारा ओके हो गया। ये शहर में भी आ गया, ये हाईवे पे भी था, इसको आप चेक करें, इनको नहीं, इसको इसका बस नहीं चलता, ये लोगों के ऊपर इसका बस नहीं चलता, इसकी ट्रक चलती। ये सही है, यानी इसका बस नहीं चलता, इसका ट्रक चलता। जी काजी अहमद जो शहर था उसको हमने क्रॉस कर लिया है और ये सामने ट्रक आ गया मेरे नाल। ओह गॉड, इट वाज सो क्लोज, बचत हो गई, मजाक कर रहा था। हम लोग काजी अहमद शहर जो है वो क्रॉस कर लिया, अब जो सखर है वो 203-200 किलोमीटर यानी 200 किलोमीटर के आसपास दूर है अभी, और तकरीबन यानी 2 घंटे में पहुँचेंगे अगर मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाऊँ, लेकिन ये ट्रक्स की वजह से मैं नहीं चला पाऊंगा मुझे लग रहा है। ये है जी केले के दरख्त, छोटे छोटे पौधे केले के, कोशिश है कि हम लोग सखर टाइम पर पहुंच जाएं, अगर टाइम हुआ यानी 4:30 बजे तक पहुंच गए तो हम सखर को भी क्रॉस कर देंगे, लेकिन 6 बजे के बाद आप हाईवे पर फॉग की वजह से यानी धुंध की वजह से ट्रैवल नहीं कर सकते, हाईवे बंद कर देते हैं, मोटर पे बंद कर देते हैं, इसलिए हमें उससे पहले गेस्ट हाउस ढूंढना पड़ेगा और हमें नहीं पता हम किस गेस्ट हाउस में रुकेंगे, ये हमारा अगला चैलेंज है जी। अभी जो शहर गुजर रहा है इसका नाम है नशेरो फिरोज, तो जो भी भाई लोग यहाँ पर रहते हैं, जो भी बहनें यहाँ पर रहती हैं, शॉट आउट टू यू। अच्छा जी, अब आ गया मोरो सिटी, ये दादू रोड जा रही है, आप देखें ये शेल का पंप है और ये दादू रोड सखर आईबीए यूनिवर्सिटी, तो जो लोग यहाँ पर पढ़ते हैं उनको भी शॉट आउट ज़रूर बताइएगा अगर आपने वीडियो देखी और अगर आप यहाँ पर रहते हैं। और ये सामने गंदे ये आ गया जी टोल प्लाजा मोरो यूट्यूबर यहाँ पर रहता है। कितने हैं? 30? 30 यार ये रोड कौन ठीक करेगा मेरे भाई, ये पता नहीं कहाँ तक चलेगी इसी तरह। शहर अगर आप भेरिया से हैं तो ज़रूर बताइएगा, इर्द गिर्द आम के वो हैं बागात हैं, जबकि आम कोई नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आम का सीज़न नहीं है। अभी भी मेरे ख्याल से 150 किलोमीटर दूर है सखर और शदीद नींद आ रही है, रेड बुल मुझे मिल नहीं रही है, थकावट सी हो रही है। ये सारा खजूरों का बाग, ये हमारे साथ जारी है रोड़ी कनाल यानी रोड़ी की नहर, अगर आप रोड़ी से हैं तो जरूर कमेंट्स में बताइए, शॉट आउट टू रोड़ी। अच्छा जी सखर रह गया 90 किलोमीटर, मुझे अभी तक कोई ड्रिंक नहीं मिली पीने को, ना कॉफी, जबकि मैं कॉफ़ी अपनी भी लाया हूँ लेकिन कहाँ बनाऊँ। अब ये है कि एक होटल हमें मिला यानी किसी के रेफरेंस के थ्रू, तो हम लोग
लोग वहाँ जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? पाकिस्तान। जिसका नाम हमें खुद नहीं पता, लोकेशन हमने गूगल में उसे फॉलो कर रहे हैं, लोकेशन को पाकिस्तान कुछ करके जाके आपको दिखाता हूँ। लेकिन बहुत बुरी हालत हो गई है, टाइम हो गया है तकरीबन क्या टाइम, हाँ 4 बजे। यानी अगर हम सुबह जल्दी निकल आते ना तो 4-5 बजे तो हम काफ़ी आगे जा सकते थे। लेकिन चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ मिलते हैं होटल में। सखर रह गया है तकरीबन 60 किलोमीटर जो कि ख़त्म होने को नहीं आ रहे। 130 पे गाड़ी चला ली है मैंने, 140 तक पे ले गया हूँ, लेकिन मचा ले खड्डे कहाँ से आ गए। बिल्कुल बैटरी डाउन है, बस अल्लाह करे हम लोग पहुंच जाए इंशाल्लाह शाम से, यानी रात से पहले पहुंच जाए। अभी 5 तो बज गए हैं, 5 से ऊपर ही हो गए। ये एंटी करप्शन आईडी कस्टमर की गाड़ी है। जी हमारा जो रिसॉर्ट है, होटल है, कुछ भी कह लें, अभी इस टोल प्लाजा से सखर टोल प्लाजा 7 किलोमीटर है, 6-7 किलोमीटर। मेरे ख्याल से तकरीबन 10-15 मिनट में मैक्सिमम पहुंच जाएंगे। पता नहीं अब रश कितना है, टोल पे तो रश है। दरअसल इतना सामान है कि हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि सुबह हमने फिर ट्रैवल करना है। ये है जी इनका लॉन, ये लॉन है, ये भी एक छोटी सी लॉबी सी है। वहाँ पर बच्चों के लिए इन्होंने कुछ बनाया हुआ, छोटा सा, हाँ छोटा सा प्ले एरिया टाइप है। हम मिमो विल गो कम हियर कम। ये है जी पूरी इनकी बिल्डिंग, ये इनका पार्क। चिकन चाउमिन, मटन मसाला, रायता है, रोटियां हैं। और अच्छा जी तो फिर खाना हम लोग खा चुके हैं और बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। अब हम जा रहे हैं सोने। सुबह कोशिश है कि 7 बजे उठकर नाश्ता करके 8 बजे हम लोग यहाँ से दोबारा निकल जाएं। और 11 घंटे का सफ़र है यहाँ सखर से इस्लामाबाद का, यानी अगर हम सुबह 8 बजे निकलते हैं तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रात के 8 बजे तक हम लोग इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। अब ये नहीं पता कि कल धुंध का क्या सीन है, यानी फॉग का क्या सीन है। अगर धुंध हुई तो फिर ड्राइविंग स्लो हो जाएगी, हो सकता है हाईवे जो पेट्रोल है वो लोग बंद कर दें मोटरवे को, ये भी हो सकता है। तो कल की कल देखी जाएगी। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।